स्वामित्व योजना के तहत बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के चेयरमैन ने सोमवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से योजना की प्रगति की समीक्षा की। गोरखपुर के NIC हॉल में आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में मुख्य राजस्व अधिकारी CEO चकबंदी के अलावा संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में शासन के स्वामित्व योजना के तहत चयनित गाँवों में तैयार किए जा रहे हैं डिजिटल डाटा के साथ भूमि का नक्शा तैयार करने के कार्यों की प्रगति की समीक्षा की गई है तथा कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। सर्वे का शिड्यूल तैयार करना, प्रॉपर्टी है क्या, पंचायती राज मिनिस्ट्री के पास रहेगा। जैसा की सर ने बताया फर्स्ट डेड लाइन है हमारे लिए, उसमें मॉनिटरिंग प्रॉपर्टी हो, एक्टिविटीज इम्प्लीमेंट हो, कमिटी कंसल्ट होनी है जो ग्राउंड लेवल की एक्टिविटीज को मॉनिटर करें और सर्वे और रिलेटेड ड्यूटी को टाइमली कंप्लीट कराए। इसका प्रोग्रेस एक डैशबोर्ड क्रिएट किया जा रहा है, उसके थ्रू मॉनिटर किया जाएगा पर फर्दर रिव्यू। डैशबोर्ड के लिए कुछ KPI होगी जिसके लिए डाटा आपको फिट करना होगा, स्टेक होल्डर जो होंगे वो अपना डाटा प्रोग्रेस अपडेट करेंगे डैशबोर्ड पे और मिनी टाइम फ्रेम में। इस यूपी में हम 37 जिलों के साथ शुरू कर रहे हैं और फर्स्ट फेज का जो इस साल का जो फर्स्ट फेज कम्प्लीट करना है उसमें पायलट जो है उसकी टाइमलाइन के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगी। जो उसका जो पायलट है वो माननीय प्रधानमंत्री जी 2 अक्टूबर को उसका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी कार्ड्स के साथ शुरू करेंगे। तो इससे हमारे को 2 अक्टूबर से बैकवर्ड काउंटिंग करते हुए अपना कार्य उसी हिसाब से प्रोसीड करना है। आप सबको कहा गया है कि अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में 10 से 11 विलेजेस को चिन्हित करें जिसका आप एज अ पायलट करेंगे और जिसका इनॉग्रेशन या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी कार्ड 2 अक्टूबर को होगा। तो हर जिले में 10 से 11 का एक को पायलट किया जाएगा। आप सबने चिन्हित कर भी लिए हैं और काफी जिलों में ये ड्रोन सर्वे भी हो चुका है। सो अगर आपके इसके प्री सर्वे एक्टिविटीज जैसा कि प्रेजेंटेशन में बताया गया, एक प्री सर्वे है, उसके बाद ड्रोन सर्वे होगा और फिर पोस्ट सर्वे होगा। हमारी ये पूरी कोशिश होनी है कि यूपी में सारा जो ड्रोन सर्वे हैं जुलाई के महीने के अंदर अंदर खत्म हो जाए। 31 जुलाई से पहले पहले सबका ड्रोन सर्वे पायलट विलेजेस में 11 विलेजेस जो आपने चिन्हित किए हैं उनमें खत्म होना है। मेल चल ही रहा है और आपके डिस्कशन के साथ और आपकी सहमति के साथ ही वो जिस डेट को फाइनलाइज होता है और उस दिन आपके डिस्ट्रिक्ट में ड्रोन सर्वे किया जाता है। और ये जो ड्रोन सर्वे है आपने इंश्योर करना है कि आप सब जुलाई के अंदर अंदर जल्द से जल्द अपना ड्रोन सर्वे कंप्लीट करा लें, क्योंकि उसके बाद की जो एक्टिविटीज हैं उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। इसीलिए आपको कम से कम 2 मंथ्स क्लियर चाहिए होंगे ताकि आपकी बाय द एंड ऑफ सितंबर खरौनी या ROH जिसको रिकॉर्ड ऑफ हैबिटेशन बोलते हैं आबादी सर्वे आबादी एरियाज के अंडर जो भी प्रॉपर्टीज आती हैं उसके जो प्रॉपर्टी कार्ड्स बने हैं वो वितरित जुलाई महीने में ड्रोन का काम हो। सो वी नीड 2 क्लियर मंथ्स एटलीस्ट। सो इसीलिए आपको हर डिस्ट्रिक्ट में अपनी जो एक्टिविटीज हैं जो मैं अभी थोड़ा और आपको बताऊंगी क्या एक्टिविटीज हैं वो
होती रहे और टाइम जो आप तय करते हैं उसके हिसाब से होते हैं, उसमें कोई डिले ना हो। सर्वे अगस्त में ना जाए, जुलाई के अंदर अंदर आपके 10 या 11 विलेज जितने आपने चिन्हित किए हैं जुलाई के अंदर अंदर हो जाना चाहिए, क्योंकि उसके चाहिए होंगे बाकी की एक्टिविटीज, वो सर्वे एक्टिविटीज जो है वो कंप्लीट करने के लिए, तभी आपका टाइम से 2 अक्टूबर के लिए आपकी थॉट में आपको आपको एक बार हम इंस्ट्रक्शंस भेज भी चुके हैं, आपको हम प्रारूप भी कुछ भेज चुके हैं जिससे आपने कार्रवाई से हम इसके रूल्स बना रहे हैं। रूल्स क्योंकि थोड़ा सा लंबा प्रोसेस होता है, क्योंकि आगे सक्षम स्तर तक जाना आता है, शासन भेजना पड़ता है, वहाँ पे उसका रूल्स का सैंक्शन मिलेगा, तो इसीलिए इससे पहले उन रूल्स का जो संक्षिप्त वर्जन है वो हम आपको एज इंस्ट्रक्शंस के फॉर्म में आपको हम भेज रहे हैं, जिससे आपको आई एम होपिंग के क्लैरिटी मिल जाए कि एग्जैक्टली क्या क्या किया जाना है। उसमें सबसे बड़ी ये बात है कि हर डिस्ट्रिक्ट के जो डीएम है वो रिकॉर्ड ऑफिसर है और एसडीएम जो है एआरओ डिक्लेयर किए गए हैं, और इसके अलावा तहसील में एज वेल एज डिस्ट्रिक्ट में आपके नोडल ऑफिसर्स भी हैं जो इंश्योर करेंगे टाइमली एक्टिविटीज कंप्लीट होती है।